हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। आप सुन रहे हो दास्ताए इश्क के लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी सही रहती है जैस, उसका जो है हैंगओवर हो जाता है और वहाँ पे जो मैनेजर रहता है वो उस मोबाइल को उठाता है और एक नंबर पे कॉल करता है। वहाँ पे कॉल करता है तो पता चलता है कि वो उसकी एक लड़की है। तो वो चौंक जाता है, बोलते हैं लड़की है, मुझे लगा इसका बॉयफ्रेंड है। फिर ये सब ध्यान में ना रखते हुए वो सारी चीज़ से बता देता है उस एक्टर को। उस और जब उस एक्टर के पास कॉल आता है तो पहले शॉक्ड हो जाती है, उस नंबर को घूरने लगती है। और जो उसके साथ एक रिपोर्टर रहता है वो उसे देखता है ऐसे, उसके इस तरह उसकी हरकतों को, तो बोलता है क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो एक्टर बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कॉल क्यों पिक नहीं कर रहे हो? तो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सक्यूज़ मी मैं कॉल पिक कर गया हूँ। तो वो रिपोर्टर बोलते हैं हाँ मैम ऑफकोर्स, आप चाहिए आप जो है कॉल रिसीव करिए, मैं आपका वेट करता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप जाइए। तो ऐसे बोलता है वो। फिर जो एक्टर रहती है वो थोड़ा सा पार्टी से दूर जाती है और उस नंबर को देखने लगती है, कॉल उठाने ही वाली थी कि कॉल कट जाता है। फिर उधर से जो मैनेजर रहता है उसे एक बार फिर से कॉल करता है, तो इधर वो एक्टर ज़्यादा लेट नहीं करती, ज़्यादा टाइम नहीं करती है और वो कॉल पिक कर लेती है और बोलते हैं हेलो। उसकी ये हेलो सुन के जो मैनेजर रहता है एक मिनट के लिए शॉक हो जाता है, मतलब उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है। ये मन में सोच रहा होता है हाय इसकी आवाज़, तो फिर से उस ओर से आवाज़ आता है उस एक्टर, फिर से बोलते हैं वो एक्टर हेलो जी बोलिए क्या प्रॉब्लम है। तो इधर से वो मैनेजर बोलते हैं मैम एक्चुअली इस मोबाइल का जो ओनर है वो यहाँ पर इस में है, पब में है, और इन्होंने ज़्यादा पी ली है और ये बेहोश हो गए हैं, मतलब इनका हैंगओवर हो गया है, तो प्लीज़ मैम इसको यहाँ से ले जाइए। तो सर एक उस एक्टर को जब ये बात इस बारे में सुनती है तो वो एक्टर बोलती है, चुप रहती है कुछ समय और बोलती है ओके कहाँ है वो? तो बोलता है मैम इस पब में है, आप आ जाइए लेने। तो ऐसे बोलता है तो जो एक्टर रहती है बोलते हैं हाँ ओके आप प्लीज़ उस एरिया का जो है लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। तो उसके बाद ऐसे बोलते हैं और जो वो एक्टर रहती है कॉल कट कर लेती है और अपनी सिक्योरिटी के पास कॉल करती है। वो सिक्योरिटी जो है उसके पास आती है, बोलती है यस मैम। तो वो एक्टर बोलते हैं जाकर एक गाड़ी का इंतज़ाम करूं, वो भी चुपचाप यहाँ से हम निकलें तो किसी को भनक भी ना लगे। तो एक्टर की बात सुनकर वो जो सेक्रेटरी रहती है उसकी, वो बोलती है पर मैम ये तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये पार्टी आपके लिए है। तो एक्टर बोलते हैं मैंने जो कहा है वो सीधे करो, आई बात समझ में, मुझे समझाने की या मुझे बताने की कोशिश मत करो। ऐसे एक थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में और गुस्से वाली फेस में इस बारे में बोलते हैं। तो वो जो उसकी एक्ट्रेस की ये थी सेक्रेटरी रहती है वो बोलते हैं ओके मैम कम डाउन मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो वहाँ से जल्दी से जाती है और एक कार का इंतज़ाम करती है और मन में सोचने लगती है आखिरकार मैम को हुआ क्या है, कभी ऐसे गुस्सा नहीं करती, आज पहली बार गुस्सा की है। ऐसे मन में सोचने लगती है और उसके बाद वो उस एक्टर के पास कॉल करती है। तो वो एक्टर जो है कॉल पिक करती है, बोलते हाँ हो गया? तो बोलते हाँ मैम हो गया, रुकिए मैं आज जाती हूँ आपको लेने के लिए, फिर मैं आपको चुपके से बाहर निकाल लूँगी। तो वो एक्टर्स बोलते हैं हाँ ओके। उसके बाद वो जो सेक्रेटरी रहती है वो उस एक्टर को लेने के लिए अंदर चली जाती है उस पार्टी के अंदर, और जो एक्टर रहती है वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी मुझे वाशरूम जाना है, तो फ्रेश होकर मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से इस रिपोर्टर से चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है रिपोर्टरों के बीच से। और उसके बाद जो सेक्रेटरी रहती है वो बोलते हैं मैम चलिए। तो उसके बाद वो वाशरूम के रास्ते से, मतलब पीछे के द्वार रास्ते से जो उस एक्टर को वहाँ से बाहर निकाल लेती है और बाहर उनका कार वेट कर रहा होता है। और उस कार में जो है बैठकर
उस सिक्योरिटी बोलती है कहाँ जाना मैम, तो बोलती है इस लोकेशन में मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ। तो उसके बाद वो जो सिक्योरिटी रहती है वो बोलती है ओके मैम। तो जो ये रहता है ड्राइवर रहता है उसे वो एक्टर बोलती है आप बाहर निकल जाइए अंकल, हम लोग चले जाएंगे। तो उसके बाद वो ड्राइवर बोलता है पर मैम, तो फिर से वो एक्टर कहती है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। फिर गाड़ी को जो है वो सेक्रेटरी जो है वो ड्राइविंग कर रही होती है और वो एक्टर पीछे बैठी रहती है और कुछ सोचने लगती है कि इसके बारे में तो हम आपको आगे बताएंगे। और वहाँ से ड्राइविंग करते हुए जो ये रहती है सिक्योरिटी उस पते पे ले जाती है, उस लोकेशन पे ले जाती है। तो वो एक्टर बोलती है क्या हम पहुँच गए, तो बोलते हैं हाँ मैम, जो लोकेशन आपने दिया था एग्जैक्टली उस जगह पे हम पहुँच चुके हैं, अब कहाँ जाना है। तो सामने की तरफ दिखाती है तो जो ये रहती है उसकी सिक्योरिटी वो देखती है कि वो तो एक पब है। तो बोलते हैं मैम ये तो एक पब है, तो बोलते हैं हाँ ये एक पब है। तो बोलते हैं पर यहाँ पर क्यों, तो बोलते हैं एक्चुअली मुझे यहाँ पे किसी को लेने आई थी। तो बोलते क्या आप यहाँ पे किसी को लेने, पर क्यों कौन है वो। तो बोलते एक्सक्यूज मी रिलैक्स, इतने सारे क्वेश्चन। तो बोलते सॉरी मैम, तो बोलते हैं कोई नहीं सीधा चलो अंदर चलते हैं, ऐसे बोल के वो एक्टर भी निकलने लगती है। तो सेक्रेटरी जो रहती है वो बोलते हैं मैम आप प्लीज़ मत निकलिए, अगर आप यहाँ से निकल गए तो हो सकता है किसी कोई आपको देख ले और आपको पहचान ले। कोई नहीं यहाँ पे तो आपको हर कोई पहचानता है, तो प्लीज़ यहाँ से मत निकलिए, आप बताइए मुझे कहाँ जाना है क्या काम करना है। तो एक्टर बोलते हैं हाँ यू आर राइट। तो बोलते हैं ओके इस पब में जाओ, यहाँ पे कोई लड़की होगी उसके पास जाना और मैनेजर के पास और बोलना जिसका हैंग पावर हुआ है उसको ले जाना चाहते हैं, तो वो तुम्हें उसके पास ले जाएगा। तो बोलते हैं पर कौन है मैम, तो बोलते तुम सवाल बहुत पूछती हो, जाकर उसे लेकर लाओ आओ। तो वो सिक्योरिटी बोलती है ओके मैम। उसके बाद वो उस पब के अंदर चली जाती है, अंदर जाती है और बोलती है किसका हैंग ओवर हुआ है। तो बोलते हैं हैंग ओवर, तो बोलती है हाँ। तो मैनेजर के पास वो जो ही रहता है वेटर वो मैनेजर के पास ले जाता है। तो मैनेजर बोलता है आप हो उसके रिलेटिव, तो बोलते हैं हाँ। तो उसे उसके साथ ले जाता है और एक प्राइवेट रूम इनसाइड रहता है वहाँ पे उसे ले जाता है और बोलता है ये है। तो उसके बाद वो देखती है कि वो एक लड़की है और बोलती है ये, तो बोलते हैं हाँ यही है, क्या आप इसे नहीं जानती, तो बोलते नहीं जानती हूँ बट, तो बोलते बट वो देख कोई नहीं ऐसे बोलती है और उसके पास जाती है और बोलती है क्या इसने पूरा पे कर दिया है। तो मैनेजर बोलता है हाँ इसने एक्स्ट्रा भी पे कर दिया है, तो बोलते क्या, तो बोलते हाँ। तो उसके बाद उसे उठाती है और वहाँ से ले जाती है धीरे धीरे। हमारी चेस्ट का जो वज़न होता है वो ज़्यादा भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा वो फिट रहती है तो और स्लिम भी रहती है तो प्रॉब्लम नहीं होता। उसे आराम से वो बाहर ले जाती है अपने कंधों के सहारे सहारा देकर और उसे बैक सीट में ले जाकर बैठाती है। तो वहीं पे वो एक्टर भी बैठी रहती है, तो उसे वहाँ पे बैठा देती है और बोलती है मैम ये, तो बोलते कुछ नहीं चलो यहाँ से जल्दी, तो बोलती है ओके मैम। तो उसके बाद वो लड़की जो रहती है मतलब सिक्योरिटी उस एक्टर की वो वहाँ से जो गाड़ी है वहाँ से निकाल लेती है और अपने पैलेस की ओर ले चलती है। वहाँ पे ले जाने के लिए वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और जो एक्टर रहती है वो चेस के फेस को देखने लगती है, पर जो चेस रहती है उसका जो फेस रहता है गलती से उस एक्टर्स के कंधे पे शोल्डर पे जाता है और उसके शोल्डर पे अपना सर रख के आराम से लेटी रहती है। तो जो ये रहती है जो सेक्रेटरी रहती है वो बोलती है मैम ये, तो बोलते तुम सीधा हमारे पैलेस में ले जाओगी, तो बोलती है यस मैम नो प्रॉब्लम ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद ये तीनों जो हैं उस पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे उस पैलेस में जाते हैं और उसे लेटाया जाता है जैस को और उसके जो हैं कपड़े भी चेंज कर दिया जाता है। जो ये रहती है
वो एक्ट्रेस, वो ये उसका कपड़ा चेंज कर देती है, ड्रेस व्रेस, और उसे वहाँ पे अच्छे से लिटा लेती है, देती है, और वहाँ से बाहर आ जाती है। तो उस सेक्रेटरी बोलती है, मैम ये, तो बोलती है तुम इसका इसके बारे में ना ही पूछ, तो वही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। तो उस सेक्रेटरी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टर थी, साथ ही साथ वो उसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी उस सेक्रेटरी का। तो वो सिक्योरिटी भी ज़्यादा उस पर ये नहीं देती, जोर नहीं देती और ज़्यादा सवाल नहीं पूछती, बस चुपचाप रहती है। फिर वो एक्टर जो है वहाँ से सीधा अपने जो है डाइनिंग टेबल की ओर चली जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है, और जो सर्वेंट रहते हैं वो खाना लाते हैं। तो जो ये रहती है वो एक्ट्रेस, वो बोलती है निधि तुम भी खाना खा लो, उसके बाद चले जाना। तो उसके बाद जो ये रहती है, हाँ उस जो ये रहती है इसकी सेक्रेटरी, उसका नाम निधि रहता है, तो बोलते हैं ओके मैम। तो उसके बाद वो भी खाने के लिए बैठ जाती है, ये दोनों साथ में खाते हैं। लेकिन जो निधि रहती है उस एक्ट्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा देख रही होती है, और वो एक्ट्रेस भी समझती है ये क्यों देख रही है, फिर भी वो चुप रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। उसके बाद जो है उनका खाना ख़त्म होने के बाद वो जो है ऊपर अपने रूम की ओर जा रही होती है, तो वो जो निधि रहती है वो भी गुड नाइट बोल के वहाँ से निकल जाती है। और रास्ते में वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि आखिरकार वो लड़की है कौन जिसके लिए मैम खुद चली गई उनको लेने के लिए, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है। ऐसे वो सोचने लगती है और वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है चेस की आंखें खुलती है, तो एक अलग सा ये पाती है, मतलब नज़ारा पाती है, अलग सा एक रूम। तो वहाँ उस रूम को देखती है तो थोड़ा सा ये हो जाती है, परेशान हो जाती है, बोलती है मैं कहाँ हूँ, और अपने कपड़े को देखती है तो उसका जो पूरा कपड़ा रहता है चेंज किया गया रहता है, उसे एक वाइट शर्ट और नीचे में एक ब्लू जीन्स पहनाया गया रहता है। तो खुद को ऐसे देख के थोड़ा हैरान हो जाती है और अपने बिस्तर से उठ जाती है, और नीचे देखती है कि एक शूज़ है जो उसी का रहता है, उसे वो पहन लेती है और बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाती है और बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो समझ जाती है कि ये किसका घर है, ये किसका पैलेस है। तो वहाँ पे एक जो है गिटार बज रहा होता है, तो उस ओर उसका ध्यान जाता है। वहाँ पे जाती है और देखती है कि कोई उस गिटार बजा रहा है। तो जो चैस रहती है वो उस ओर जाती है और अपने जो पॉकेट से सिगरेट निकालती है उसे जलाती है, और उसकी तरफ देखते हुए एक कश लेती है, बोलती है तुम मुझे यहाँ लाई हो। तो उसके बाद वो लड़की कुछ नहीं बोलती, मतलब वो एक्टर कुछ नहीं बोलती, बस जैसे बोल रही होती है थैंक यू मुझे यहाँ पे लाने के लिए। वो एक एक कस जो है ले रही होती है और उसे ये बोल रही होती है। तो एक्टर जो है चुपचाप अपना धुन पे फोकसली वो धुन बजा रही होती है, वो गिटार बजा रही होती है। जो निधि रहती है वो भी उसी टाइम आ जाती है और देखती है कि जो उसकी मैम रहती है, जो एक्टर रहती है, वो बहुत अच्छा धुन बजा रही है। तो उस पे उस धुन पे खो जाती है, और जो चेस रहती है वो भी कुछ नहीं बोलती और उस धुन को इंजॉय कर रही होती है, चुपचाप बैठ के और अपना सिगरेट का कस ले रही होती है। तो उस निधि का ध्यान उस लड़की के ऊपर भी पड़ता है, हमारी चेस के ऊपर, और उसकी तरफ देखती है थोड़ा सा ये वियर्ड नज़रों से उसकी तरफ देखती है कि यहाँ पे बैठी है और खुलेआम सिगरेट भी पी रही है और कस भी ले रही है, ऐसे ऐसे वाले इस सारे एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देख रही होती है जैस की तरफ। जैस उसकी ये रहता है नज़र, वो समझ जाती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, बस वो उनको इंजॉय कर रही होती है और सिगरेट का कस ले रही होती है। तो जब वो गिटार बंद करती है और उनकी तरफ आती है और बोलती है निधि तुम कुछ समय के लिए यहाँ से चली जाओगे, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है इससे। तो निधि बोलती है पर मैम, तो बोलती है मैंने कहा ना। तो उसके बाद जो निधि रहती है वो दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, और जो ये रहती है एक्टर उसके पास जाती है जैस के पास और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ नहीं थी ना।
तो जैस बोलती है, एक्चुअली आई नो, मैं यहाँ नहीं थी, मैं हिमाचल प्रदेश में थी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, जॉब करने वाली हूँ। तो बोलती है, अच्छा कौन सा जॉब करने वाली हो आप? तो बोलती है, पुलिस में हूँ, एक इंस्पेक्टर की जॉब जो है खाली था हेड, तो उसमें मैं जा रही हूँ। तो बोलते क्या? तो बोलते हाँ। तो बोलते वो तो कौन से ये में जा रही हो? तो बोलते पेट्रोलिंग ऑफिसर में जा रही हूँ। तो बोलते ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं। तो जो जैस रहती है बोलते हैं, यहाँ पे लाने के लिए थैंक यू जेनिफर। तो वो लड़की बोलते हैं, जेनिफर इट्स ओके, वैसे तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो बोलते हैं, एक्चुअली मैं वहाँ पे ऐसे ही गई थी और थोड़ा ज़्यादा मैंने ड्रिंक कर लिया था। तो बोलती है ओके, तो बोलते हैं हाँ मैं यहीं पे शिफ्ट हो रही हूँ। तो बोलते हैं कहाँ पे? वो इसके बारे में तुम जानकर क्या करोगे, छोड़ो ओके बाय, अपना ख्याल रखना। ऐसे बोल के जो यही रहती है जैस रहती है, वो जेनिफर को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। हाँ फ्रेंड्स, उसका नाम जेनिफर रहता है, वो जाने माने एक्टर्स में से एक रहती है, जो न्यू सितारा रहती है, नई सितारा जो अभी अभी आसमान में बहुत अच्छी तरह से उड़ रही होती है, मतलब अभी अभी स्टार बनी रहती होती है, बनी रहती है। बहुत बड़ी स्टार थी वो, जिसे डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग बहुत बखूबी से आता था। यहाँ तक कि वो इतनी बला की खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती का सब लोग ये करते थे, तारीफ करते थे। एक्चुअली इसकी मम्मा जो है फ्रांस से थी, फ्रांच, और इसके डैड जो थे वो इंडिया के थे। इन दोनों के बीच जो है लव मैरिज हुआ था, तो इनकी जो बेटी थी वो भी दोनों गुण पाई थी, एक फ्रांच की और एक इंडिया की, इसलिए बेहद खूबसूरत थी वो। वो बोलती है जैस को चाहते हुए, तुम अभी तक नहीं बदली ना जैस, मैं तुम्हें कब से सोच रही थी कि तुम बदल जाओ, लेकिन तुम हो कि बदल नहीं रही हो। वही एटीट्यूड, वही घमंड, वही गुस्सा और वही हरकतें। ऐसे बोलते हुए वो बाहर देखती है, तो जो जैस रहती है वो बाहर जाते हुए वो मन में सोच रही होती है, तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो, अब तो तुम इतनी बड़ी एक्टर बन गई हो, तुम्हारा सपना जो है पूरा हो गया है, अब तो मैं तुम्हारे सामने अब कुछ भी नहीं हूँ, तो अब मैं तुम्हारे रास्ते में आने का बिल्कुल नहीं सोच सकती। ऐसे बोलते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है और टैक्सी करके वहाँ से चली जाती है। सो हे गाइस, स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। जेनिफर और जेस के बीच कौन सा रिश्ता है? ये दोनों पहले से एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या ये कुछ और है, क्या ऐसी कैजुअल फ्रेंड इनसाइट? इस राज में से पर्दा तो आगे के एपिसोड में खुलेगा। तो स्टोरी एंजॉय करिए, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि स्टोरी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मैं न्यू वीडियो डालूंगी, तो आपके पास क्या आएगा? नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए माई डियर। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय एंड गुड नाइट। कल अब मैं दूसरी स्टोरी भी पोस्ट कर दूँगी, दोनों साथ में कर दूँगी फिर। ओके देन, थैंक यू एंड सो मच एंड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एवरीवन।